हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है? मैं अपने नए हॉस्टल में शिफ्ट हो गया हूँ। जब मैं पिछले साल मिलान आया था इटली, तो मैंने अपने हॉस्टल का व्लॉग बनाया था। अब मेरा हॉस्टल चेंज हो गया है, तो सोचा इसका भी व्लॉग बनाया जाए और आपको दिखाता हूँ कि हॉस्टल कैसा है मेरा। सारा जो भी रूम है, अपार्टमेंट है मेरा, और हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें, आपको पूरा टूर कराऊँगा। तो ये हमारे हॉस्टल की बिल्डिंग है और नया हॉस्टल बना है, अभी कुछ साल ही हुए हैं इसको, 5-6 साल। तो बहुत अच्छा सीन है यहाँ पे, बाहर सिटिंग एरिया बना हुआ है, इजी हो के आप बैठें। और यहाँ से एंट्रेंस है हॉस्टल की। चाओ, ये रिसेप्शन है और यहाँ जो है आपका जो भी गेस्ट वगैरह हैं, ये सिटिंग एरिया है सारा। सही है, यहाँ पे आप आराम से बैठ के चेस वगैरह खेल और स्पोर्ट्स वगैरह के लिए ये टेबल टेनिस है। और ये हमारी पट्टी, इसको फुटबॉल कहते हैं, तो ये भी है, बड़ा मज़ा आता है इसको खेलने में। सुकून से आप यहाँ बैठे हैं अगर पढ़ना है या कोई गेस्ट आ रहा है आपका। वेंडर मशीन है ये, इसमें से सर हम कॉफ़ी निकालते हैं जब हमारा दिल करता है, बाकी कुछ खास है नहीं इसके अंदर। यहाँ पे भी आप इजीली बैठ के पढ़ सकते हैं। ये प्रिंटर मशीन है इसका, पहले जब मैं हॉस्टल में था वहाँ तो कार्ड बन जाता था, यहाँ पता नहीं कैसी ना, अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी प्रिंट करने की। यहाँ आई थिंक पैसे आपको डालने पड़ेंगे 5 यूरो और आपको कार्ड निकल जाएगा और आप उसमें कोई 125 प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा जी, और ये वॉशरूम्स हैं, ठीक है। ये टॉयलेट मेल फीमेल का एक साथ ही है, ये स्टाफ वालों का और ये डिसेबल का है। अब यहाँ पे ये क्या, डिसेबलों के लिए बिल्कुल सब सहूलतें हैं। सही है, तो सफाई आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सफाई। सही है, वैसे तो मुसलमानों के लिए सफाई निफ्स ईमान है, उर्दू कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन सफाई का ये लोग ख्याल रखते हैं। ये हमारे पास जिम है और जिम में अभी कोई नहीं है। चाओ, और ये सारी साइकिल्स वगैरह हैं और ये, मुझे तो खैर ख़ास शौक नहीं है, जिम भी आएंगे अब। ये यहाँ से सिटिंग एरिया है, ये आप देख सकते हैं अभी दरवाजे बंद हैं, और ये जिम है और ये ट्रेडमिल। बस मैं ट्रेडमिल कर लूँगा अब आऊँगा तो, बाकी मुझे कोई ख़ास शौक नहीं है। और टॉयलेट वगैरह भी जिम में है मौजूद, तो ये भी अच्छा सीन है। सही है ना, आप नहाएं यहाँ पे, चल सीन है, नहाएं वगैरह जो भी करें। सही है, और ये आपके लिए सारा एरिया है, वॉशरूम वगैरह है। अच्छा, यहाँ से एक नई बिल्डिंग है, यहाँ से ऊपर जाना है, दो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, यहाँ शायद गर्ल्स रहती हैं। ये हमारा लॉन्ड्री एरिया हो गया, वॉशिंग एरिया, तो इधर मशीन्स हैं, कॉइन डालें, कपड़े धोएं, 1.8 यूरो के शायद धुलते हैं कपड़े और 1.8 यूरो में ड्राई होते हैं, ये लिखा हुआ भी है। और ये भाई सब यहीं धोते हैं, हम रूम में ही धोते हैं अपने टब में। इस्तरी वगैरह अगर आपको करनी है यहीं करें। और ये स्टडी रूम है जहाँ पे सिर्फ पेपरों में आया जाता है, तो ये स्टडी रूम है और अच्छा माहौल है, सुकून से आप आके बैठें। ये स्टडी रूम है और एक ये स्टडी रूम है, दोनों स्टडी रूम्स हैं और गुड सीन है। यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रखना है वो रखें और इजी होके पढ़ें। यहाँ पे आएंगे तो ये इन्होंने पार्क बनाया हुआ है, आप अपनी साइकिल्स वगैरह अगर आपकी हैं तो आपको वो खड़ी कर सकते हैं आप आराम से। ये सारा साइकिल का एरिया है, मुझे भी साइकिल ख़रीदनी है, बहुत ज़रूरी है। और ये सारा पार्क है। सही है,
तो यहाँ आप सिटिंग एरिया है, आप आके बैठे हैं आराम से। आई थिंक वो जिम वाला जो था, नहीं वो अलग है। तो ये जो है आपका पार्क है, सिटिंग एरिया है, यहाँ आप कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह पिए। और भाई ये आपके पास यहाँ कचरा वगैरह अगर आपको फेंकना है तो ये भी दिखाई देता हूँ, ये सारे डस्टबिन यहाँ पे हैं। कचरा फेंकना है आपको, वो यहाँ पे सारा कचरा यहीं फेंकना है। तो यार हॉस्टल बहुत बेहतरीन है, लिटरली आप रह रहे हैं, प्राइवेसी आपकी प्रॉपर है, सारी आपको फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, और माहौल आप देख सकते हैं, पार्क भी है, जिम भी है, वॉशिंग एरिया भी है प्रॉपर, और हर चीज़ की फैसिलिटी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एयर कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है ना, तो अंदर बाहर जितनी भी गर्मी हो, अंदर जो है ना टेम्परेचर बहुत मेंटेन रहता है, सर्दी हो या गर्मी हो, तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये कि जो मेरा पिछला हॉस्टल था वो भी बहुत अच्छा था इस हिसाब से, क्योंकि नई बिल्डिंग थी वो भी, बट ये है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी उसके एक आध हॉस्टल है जो कि पुराना बना हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू है। बट ये इनका सबसे, जो भी चार पांच हॉस्टल हैं, जो ये हॉस्टल है ये सबसे बेहतरीन हॉस्टल है, इनका नंबर वन हॉस्टल है ये इनका। और बाकी अब जो है ना रूम चलते हैं, रूम दिखाता हूँ आपको अपना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वही जब मैं पिछले हॉस्टल में था वहाँ थोड़ा शेयर्ड रूम था, तो ये है कि आपकी प्राइवेसी नहीं रहती, बट यहाँ पे आपकी प्राइवेसी के हिसाब से बहुत अच्छी जो है ना ये एक चीज़ है। और अब रूम में चलते हैं। तो ये आपकी एंट्रेंस थी, यहाँ से जो है आपको आना है, और देखें अगर आप डिसेबल हैं उसके लिए भी लिफ्ट है, यहाँ से आपको सीढ़ी, यहाँ से आप आ गए। और जो है अच्छा, यहाँ पे ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं दो, ये हैं एक, ये है, लिफ्ट वगैरह भी दी हुई है, बट हम सीढ़ियों से चलते हैं। मुझे जो रूम मिला है वो सेकंड फ्लोर पे मिला है, तो चलें आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो इस तरीके का कुछ है, ये जो रिसेप्शन से पैरामाइड बना हुआ है, ये सामने रिसेप्शन है, इस तरफ बाहर नीचे ये पैरामाइड, ये सारा हॉस्टल है। तकरीबन आई थिंक 6 फ्लोर हैं, और छत भी है, छत गया नहीं हूँ मैं अभी तक। तो इसी तरीके से दो अपार्टमेंट उधर हैं सामने, और कुछ उस तरफ हैं, उस तरफ। मैं आपको अपने अपार्टमेंट लेके चलता हूँ। तो अब मेरा अपार्टमेंट सामने है, ये देखें, ये रिसेप्शन थी नीचे, पैरामाइड, और ये सारा व्यू हॉल। वैसे तो ये डोर ओपन हो जाता है कार्ड से, बट क्योंकि इसका मैग्नेटिक लॉक टूट चुका है तो हमें चाबी से ही खोलना पड़ेगा, ये लॉक टूट गया है इसका। चाओ, ही इज़ फ्रॉम ईरान, यू कैन से हाय, यू आर फ्रॉम ईरान, आई एम मेकिंग व्लॉग, या सो से हाय, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो भाई ये हमारा अपार्टमेंट है, या तो ये जो है किचन है। चाओ यूट्यूब। और सबसे अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पे जो है ना पेपर के लिए अलग डस्टबिन है आपका, प्लास्टिक आप अलग में फेंकें, और ऑर्गेनिक जो है खाने वाने का जो गंद कचरा है वो इसमें, तो ये रिसाइकिल कर लेते हैं। और ये किचन, फ्रिज वगैरह है, सोफे हैं, टेबल भी है, और आपको LED भी दी हुई है, विंडोज वगैरह, और व्यू अच्छा है बाहर का, सुकून से। अब जो है तकरीबन इसमें ये है 6 रूम है, यहाँ से ये रूम स्टार्ट है, 1 2, और ये सारे रूम्स बने हुए हैं, ये लाइन से रूम है और सामने रूम है। अच्छा, ये एक वॉशरूम है, और ये एक वॉशरूम है, 2 वॉशरूम हैं। तो ये हमारा है, ठीक है,
बाकी ये मेरा रूम है जो कि शुरू में फिर भी सही था, अभी थोड़ा फैल चुका है। तो भाई ये हमारा रूम है, ये हमारे कपड़े और ये सारी चीज़ें। तो चादर, क्योंकि हफ्ता हो गया अभी सुस्ती में बिछाई नहीं है, चादर बैग से निकालनी पड़ेगी, चादर बिछानी है। ये चादर आ गई है, हमारा लिहाफ और कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े हैं, बैग से अभी चीज़ें निकालनी है। और ऐसे हम कपड़े सुखा देते हैं यहाँ पे, ये टब में यहीं धो देते हैं, सही है। और ये स्टडी टेबल, लैपटॉप, डस्टबिन और ये सारी चीज़ें। तो भाई ये हमारा रूम है। और ये हम सर्फ लाए, कोई 4-5 किलो का सर्फ है ये हमें। ये यहाँ छोटा लग रहा है, वैसे बड़ा है ये काफ़ी, तो ये ऑफर में मिल गया हमें। तो ये टोटल हॉस्टल का है रिव्यू, और ये आप यहाँ से भी व्यू देख सकते हैं। और ये जो है सारा व्यू है, ये पार्क है, बच्चे आगे खेलते हैं अम्माओं के साथ अपनी। ये आई थिंक सामने जो बिल्डिंग है जो मैं आपको कह रहा था, तो ये गर्ल्स की है, गर्ल्स को अलग रखते हैं, गलत बात है जो कि बहुत और जो है ये पार्क है सामने, ये सारी चीज़ें। अच्छा सबसे चीज़ ये कि दो तरीके से खिड़की खुलती है, एक तो यू नॉर्मली खुलती है और दूसरा इसको आप बंद करके आई डोंट नो, हाँ ये जो है वर्टिकली भी यूँ खुल जाती है, यहाँ से बंद है नीचे से वर्ट। तो ये मेरा टोटल रूम है सुकून से अपना। तो भाई ये हमारा जो है ना रूम टूर था, हॉस्टल टूर था। हॉस्टल बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, फैसिलिटीज सारी हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स से कल एग्ज़ाम दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो गए, तो हमने सोचा आज ब्लॉग बना लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।